आई लव काला दूंगी, काला दूंगी गाइस। आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। काला दूंगी क्या कमेंट में बताओ यार, काला दूंगी क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ। खैर एनीवे गाइस, बैक टू द पॉइंट। अभी काला दूंगी जो है, रुके हम, ये रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट का नाम है जंगल फेस्टा। तो ये आई लव काला दूंगी, यानी काला दूंगी ये कोई एरिया है, कोई जगह है, कोई नगर है क्या, आई डोंट नो, बट काला दूंगी, दूंगी का काला दूंगी क्या, आई लव काला दूंगी। और इसका बताओ भाई, ये काला दूंगी क्या, काला दूंगी लिखा क्या हुआ? अच्छा है, कला दूंगी, कला दूंगी है, पढ़ने में काला दूंगी आ रहा है, लेकिन वो कला दूंगी भी है और काला दूंगी भी है। फिलहाल ये रेस्टोरेंट है जंगल फेस्टा। नहीं कर रहे भाई, बेइज्जती नहीं कर रहे, तेरी टेंशन मत ले, बेइज्जती नहीं कर रहे, बेइज्जती मैं अपनी कर रहा हूँ, टेंशन मत, तू खुश रहे। और भाई भूख लगी है भाई, भूख। सो गाइस फाइनली अपना खाना आ चुका है, और मतलब पराठे तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके, दो मंगवाए थे, ऑर्डर कर दिया है पर लेट। फिलहाल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सिनेमैटिक और बकचोदी के चक्कर में ना, ये आपको स्टार्टिंग दिखाने हैं, फिलहाल ये एंड दिखा रहे हैं। आप एंड से समझ जाना कि हमने क्या क्या खाया है और कैसा लगा है। कौन सी वर्कशॉप खत्म हो रहा है तो मतलब अच्छा लग रहा है, वर्थ ही था खाना, टेस्टी था और मजा आ गया भाई। फिलहाल ज़्यादा और कौन सी वर्कशॉप पे खाने पर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि भाई खाना ठंडा हो रहा है, ठंडा अच्छा खाना लगता नहीं है और छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो भाई अभी मैं खाना खा के मिलता हूँ। जंगल फेस्टा से खाना खा के निकल चुके हैं और भाई सलमान भाई को मैंने स्कूटी उनकी वापस दे दिया, जस्ट बिकॉज मुझे आ रही है नींद और मैं एज ए पिलन फिर दोबारा अपनी सीट पे जाना चाहता हूँ। भाई साहब मुझे नींद आ रही है, मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगा, एक तो स्कूटी थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है और दूसरा मुझे नींद आ रही है। तो लो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल के पहाड़ों में और भाई साहब ये बारिश और इसके साथ चलती ठंडी ठंडी हवा, क्या मस्त वाइब दे रही है भाई। दिस इज अ नैनीताल भाई साहब, लिटरली क्या गजब व्यू है भाई। ये यही चीज आगे जाके ना वाटरफॉल का रूप ले रही है, जिसको वुडलैंड वाटरफॉल का नाम दिया गया भाई। ओ भाई पूरा झुक गया मैं, ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा है, पूरा पहाड़ ही देखो ऐसे तो नहीं होता भाई साहब। ये खूबसूरत झील और ये पहाड़ी इलाका नैनीताल, और भाई साहब मैगी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तो फिलहाल भाई साहब हिमांशु भाई ने किया मैगी ऑर्डर। लिटरली गाइस दो मिनट में मैगी नहीं बनती, जितनी दो मिनट में मौसम चेंज होगा भाई। अभी जस्ट दो मिनट भी नहीं हुए भाई साहब, मौसम बिल्कुल हल्का फुल्का फोग था, लेकिन अब देखो भाई कुछ दिख रहा है, सी गाइस सी, अभी देखो। और भाई दो मिनट में मैगी नहीं बनती भाई, जितनी जल्दी नैनीताल का मौसम चेंज हुआ भाई साहब। देखो भाई साहब झील तो दिखाई नहीं दे रही भाई, और भाई 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 क्या रोक ले, कुछ नहीं रुक रहा यहाँ साहब। मैगी अभी तक खत्म नहीं हो और फिर मौसम साफ, भाई साहब मौसम और लड़की का भरोसा नहीं हो रहा आजकल। अरे कहना क्या चाहते हो, मैगी शूट कर जाओ, मैं आपको मैगी खा के दिलाता हूँ, दिखाता हूँ। पर तुम बैठ के पता नहीं कहाँ कहाँ शूट करते हैं अंडों के। मैंने आपको मैगी खा के दिखाई, ये बकचोदी करके दिखाएंगे, देखो करो 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 करो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस अभी मैगी पॉइंट से निकल चुके हैं और वहां से जो नैनीताल है 10 किलोमीटर बचा है, और भाई साहब हैंड ग्लव्स मांग रहे हैं, नहीं मिलेंगे, चल बे चल बे। तो गाइस बैक टू द पॉइंट, भाई साहब मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है और भाई साहब गजब ही मैगी पॉइंट था, गजब ही मैगी थी और गजब ही वो व्यू था, टॉप फ्रॉम टॉप भाई साहब। बवाली पंगोट नैनीताल 2 किलोमीटर रहेगा भाई, और पेट्रोल पंप रहेगा हमारा 1 किलोमीटर, पहले पेट्रोल पंप रहेगा उसके बाद नैनीताल जाएंगे। नैनीताल यही है, यही है। सो गाइस फाइनली इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप मिल चुका है, काफी भीड़ है, काफी ड्रामा होने वाला है, बस क्या बात कर रहे हैं, कोई गल नहीं, पेट्रोल पर फंस गया मैं तो यार, पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना। मैंने मजाक में बोल दिया था ऊपर बर्फ मिलेगी, यहाँ लिटरली बर्फ मिल गई। मजाक हमने बोला था ना, वो आगे चलेगा बर्फ मिलेगी, आपने मजाक में लिया था क्या? अरे
अब इसकी बातें मजाक में ले रहे हैं। अरे यार पता नहीं था क्या मजाक मजाक की बातें सच में, पता नहीं था मजाक मजाक में गांड फट जाएगी। फिलहाल मैं हेलमेट उतार दू, नहीं हेलमेट नहीं उतारता भाई, ठंड बहुत है यार, ठंड लग रही है सीधी कानों पर, सनम सनम साए साए ऐसे जा रही है बिंदास। एक मतलब दो बाइक और एक एंटॉर्क में स्कूटी में टॉपअप हो रहा है, और भाई साहब मैं सोचा कि हेलमेट निकाल दूँ, पर भाई साहब यहाँ पे जो हवा चल रही है ना सनन सनन साए साए, कानों को ऐसे चीरती हुई जा रही है भाई। आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ ना, कांड फाड़ उंगली ऐसे तोड़ मरोड़ दिए ठंड में भाई, दिख नहीं रहा होगा भाई, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस नहीं कर रहा है तो भरा भाई जोगिंदर। सनन सनन पवन इनके पिछवाड़े पे ऐसी डंडियां बरसाती जा रही है कि क्या बोला तूने? नाक पड़ी। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। बात इनकी बातों में मजा नहीं, मेरी मेरी बात। तुम्हारा भाई कितना सच बोलता तुम्हें पता है ना? ब्रो ये फॉक्स हो रहा है, गलत बात है, फॉक्स हो रहा है, दिस नॉट फेयर ब्रो। अपने को क्या है, अपनी ऑडियंस को और अपने को तो मजा लेना है ना, चाहे वो झूठ बोल के क्यों ना लेना। बात तो सही है भाई, एडवेंचर के लिए ना चीजें भी मिल जाएगी। पार्क की बात करो तो यार, टोपी वाली को देखने लग गया, बड़े हरामी हो बेटा, बड़े बेशरम आदमी यार। मेरे सब्सक्राइबर तो बेशरम हो गए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।